अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करूंगी आपसे अनीमिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट है और बहुत ज़्यादा देखा जाता है, जिसे हम खून की कमी भी कहते हैं बॉडी में। तो एक्चुअली अनीमिया होता क्या है पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं उसको कॉजेज आपको बताऊँगी, आपको सिम्टम्स बताऊँगी अनीमिया के, और फिर होम्योपैथी की कुछ बहुत अच्छी दवाएँ बताऊँगी जो बहुत ईजीली आपके अनीमिक पेशेंट को ठीक कर सकती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अनीमिया होता क्या है। तो ब्लड, पहले जानते हैं कि ब्लड जो हमारा होता है, खून जो हमारा होता है, उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। तो उसमें RBCs होते हैं, WBCs होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। तो ये तीनों अपना अपना काम करते हैं। तो RBC के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो कि मेन ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। यानी कि वो RBCs के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और हमारी बॉडी के हर सेल में, बॉडी के हर पार्ट में, छोटे से छोटे सेल्स जो होते हैं वहाँ तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन कैरियर है हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के लिए। तो हीमोग्लोबिन का कम हो जाना अनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है, यानी उसे ही हम अनीमिया कहते हैं, यानी ब्लड का कम होना, खून का कम होना, खून की कमी का होना कहते हैं। बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं एनीमिक पेशेंट्स, और पेशेंट जो बहुत ज़्यादा इसके पेशेंट इसलिए आते हैं क्योंकि पेशेंट का काम करना मुश्किल हो जाता है, बहुत इसके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थकावट वाले रहते हैं। तो इस वजह से पेशेंट परेशान होकर ज़रूर आता है फिजिशियन के पास दवाओं के लिए। तो होम्योपैथी में बहुत अच्छे से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, बहुत ईजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो इसका लेवल्स के बारे में मैं बताती हूँ। फीमेल्स में इसका 12-15% जो होता है नॉर्मल लेवल होता है हीमोग्लोबिन का, और मेल्स में 13-17% नॉर्मल होता है। तो ये मेन इसका नॉर्मल रेंज है, इससे कम होगा तो हम एनीमिक पेशेंट हो जाते हैं। अच्छा, अब इसके टाइप्स की तरफ आते हैं, यानी कि टाइप्स मतलब कॉजेज भी इसमें हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो टाइप्स मतलब बेसिकली तीन टाइप का होता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो तीन चीज़ें हो सकती है, या तो ब्लड लॉस हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होना, कोई एक्सीडेंट केस है, या कोई GIT यानी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोई डिजीज़ ऐसी है जिसमें आपको ब्लीडिंग अंदर अंदर होती है लेकिन आपको पता नहीं चल पा रहा है। तो ये सारे केसेस में इंक्रीज एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से आपको अनीमिया हो सकता है। तो ये फर्स्ट कॉज हो गया। सेकेंड होता है कि प्रोडक्शन ही डिक्रीज है, यानी कि कुछ कमी आपकी बॉडी में ऐसी है क्यों जिसके वजह से हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है, सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हीमोग्लोबिन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉज है और बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। नेक्स्ट कॉज ये आता है कि प्रोडक्शन तो हो रहा है हीमोग्लोबिन का, लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं, यानी कि वो अपना काम कर ही नहीं पा रहे, वो ऑक्सीजन को कैरियर के तौर पर यूज़ ही नहीं कर, मतलब कैरी नहीं कर पा रहे हैं सेल्स तक, वो खुद ब खुद बन रहे हैं लेकिन वो डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं कुछ बेसिक डिजीजेस के वजह से, कुछ अंडरलाइंग कंडीशंस के वजह से। तो ये सारे कॉजेज हैं, ये सारे टाइप्स हैं जो हमें अनीमिया में बेसिकली देखा जाता है। अब आते हैं इसके साइंस और सिम्टम्स की तरफ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइंस और सिम्टम जो पेशेंट आपके पास आएगा तो वो यही कहेगा कि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होती है, बहुत ज़्यादा थकान की महसूस होता है, हमेशा उसको टायर्डनेस फील होता है, बहुत ज़्यादा थका रहता है पेशेंट। तो ये बहुत ज़्यादा देखा गया है, ये कंप्लेंट लेके पेशेंट बहुत ज़्यादा क्लिनिक पे आता है कि उसको ज़रा सा काम करो तो बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगती है। तो अनीमिया का ये बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। फिर लेवल और कम होने के बाद आपको आइज़ भी पेल लगने लगेगी पेशेंट की, आइज़ का जो वाइट पोर्शन होता है वो आपको येलोइश दिखेगा, या पेलनेस रहेगी पाम्स में, फुट में पेलनेस रहेगी, और बहुत ठंडा रहेगा हाथ पैर उसका, बिल्कुल कोल्ड क्लैमी रहेगा, और उसको बहुत ज़्यादा पेन रहेगा बॉडी में, मतलब वीकनेस की वजह से बॉडी मसल जो होती है एक करती है, बहुत ज़्यादा पेन करती है। तो ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं। नेक्स्ट सिम्टम एक इम्पॉर्टेंट है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, यानी कि सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ़ होने लगती है, कोई भी काम किया तो उसको लगेगा जैसे उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इस कंप्लेंट से भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आते हैं। फिर देखा गया है कि BP लो हो जाता है, ऐसे पेशेंट्स में BP लो ज़रूर देखा गया है एनीमिक पेशेंट्स में, और पल्स और हार्ट रेट ज़्यादा रहेगा लेकिन ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। तो ये सारे कंप्लेंट्स है। और बहुत ज़्यादा सीवियर अगर हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा दिनों से अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है तो स्प्लीन पे भी असर होता है, क्योंकि स्प्लीन बहुत मेजर रोल प्ले करती है हीमोग्लोबिन मैनेज करने में। तो स्प्लीन में क्या होता है कि
एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन हो जाता है, यानी स्प्लीनोमेगैली जिसे हम कहते हैं, स्प्लीन बढ़ जाती है और वो ऊपर से फील भी कर सकता है फिजिशियन पेशेंट को, इतना ज़्यादा वो बढ़ जाती है। तो ये भी एक सिम्टम है इम्पॉर्टेंट जो कि अनीमिया की कंडीशंस में देखा जाता है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट्स थे जो बताने थे। अब आते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के तरफ। तो होम्योपैथिक में एक बहुत बेस्ट मेडिसिन जो मैं ज़रूर प्रिस्क्राइब करती हूँ, अगर पेशेंट आयरन डिफिशेंसी यानी कि अनीमिया का पेशेंट है तो उसको ये प्रिस्क्राइब ज़रूर किया जाता है, बहुत इफ़ेक्टिव है। एलेट्रिस फेरिनोसा नाम का एक मदर टिंचर है, एलेट्रिस फेरिनोसा काफ़ी इफ़ेक्टिव है अनीमिया को कंट्रोल करने में और आपके हीमोग्लोबिन लेवल को मैनेज करने में। वीकनेस, टायर्डनेस, ये सारी फीलिंग जो है, कोल्ड क्लैमी एक्सट्रीमिटीज़ है, ये सारी चीज़ों को बहुत जल्दी कवर करती है, बहुत अच्छी दवा है। तो इसको कुछ करना नहीं है, आपको 15 ड्रॉप्स लेना है हाफ अ कप वाटर में, वार्म वाटर हो सके तो लीजिए, और आपको सुबह शाम यानी ट्वाइस आपको लेना है, सुबह में एक बार शाम में। बहुत ईजीली अवेलेबल है, कोई भी होम्योपैथिक फार्मेसी पे आप जाके ले सकते हैं, इस नाम से ये दवा है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट मेडिसिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशेंट को दी जाती है, जिसके बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट्स हैं, वो है SBL की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 1। अनीमिया के लिए आती है ये स्पेशल दवा, बहुत अच्छी इफेक्ट देती है। इसके अंदर जो दवाएं पड़ी हुई होम्योपैथी की, बेसिकली वो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए बहुत ही सुपर एक्टिंग है। तो वो दवाएं जो इसमें पड़ी हैं, उसमें है कैल्केरिया फॉस पड़ी है, फेरम फॉस पड़ी है, नेटरम म्यूर पड़ी है, बहुत इफ़ेक्टिव है, इसको आप ज़रूर लीजिए। फिर इन दोनों मेडिसिन के साथ एक सीरप आता है जिसका नाम है फेरम सिप सीरप, ये भी SBL का है, बहुत इफ़ेक्टिव है और इसको भी आप लीजिए ज़रूर, इससे भी बहुत जल्दी आपका अनीमिया कंट्रोल हो जाएगा। इसको 1 टीस्पून आपको लेना है दिन में 3 बार। तो फेरम सिप सीरप जो है SBL का, इसमें भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन पड़ी हुई है, जो सारी मैंने आपको SBL के बायो कॉम्बिनेशन में बताई है वो भी मेडिसिन, इसके अलावा भी 2-3 मेडिसिन यानी फेरम मेटालिकम भी पड़ी हुई है और चाइना भी पड़ी हुई है। तो फेरम मेटालिकम जो है ये भी एक्सेलेंट रोल प्ले करती है आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में। तो ये सारे बेसिक मेडिसिन है, अगर आप एनीमिक कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं तो ये तीनों मेडिसिन ज़रूर लेके अपने पास रखिए और दीजिए। आप बच्चों को भी दे सकते हैं, इसका हाफ डोज कर दीजिएगा बच्चों के लिए, और कुछ पूछना हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं मैसेज में कि कैसे इसका डोजेज वगैरह है। बहुत इफ़ेक्टिव ये ट्रीटमेंट है, ज़रूर करके आप देखिए, कुछ ज़्यादा बढ़ने से पहले ही आप इन चीज़ों को करके देखिए कितनी जल्दी आपको आराम महसूस होगा। तो इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बेसिक मैनेजमेंट आपको क्या करना चाहिए अगर आप अनीमिक हैं। इन दवाओं के साथ आपको कोशिश करें कि आप डेट्स खाएँ, यानी कि आप खजूर खाएँ, खजूर का इंटेक ज़रूर करिए सुबह शाम, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत जल्दी आपके हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। और इसके साथ आप जैगरी भी लीजिए, यानी कि जिसे हम भेली कहते हैं, गुड़ कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इन दोनों चीज़ का इंटेक ज़रूर करिए। और डाइट में तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए, आप बीट रूट खाइए, ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी कवर करेगी आपके एनीमिक सिम्टम्स को। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी और चीज़ें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी, अल्लाह हाफिज़।